जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसा कि आप सभी ने कल कम्युनिटी में एक पोस्ट देखी थी जिस पर आप लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे हैं जो तंत्र चर्चा से जुड़ी हुई थी, कि मैं चाहता था कि मैंने जिस प्रकार की तंत्र चर्चा मैंने पहले एक बार करी थी उसी प्रकार की तंत्र चर्चा का जो एक बार है दोबारा से शुरुआत की जाए, और ये जो तंत्र चर्चा है ये एक हफ्ते तक चलेगी। ठीक है, इस बीच में आप लोग वीडियोज़ के नीचे या फिर कम्युनिटी में जो पोस्ट है उसके नीचे आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, और जो सवाल मुझे लगेगा कि जिनका जवाब देना ज़रूरी है, जिनके जवाब से व्यक्ति को मार्गदर्शन मिल सकता है, जिनके जवाब से आपको मेरे को लगता है कि आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, उनका जवाब मैं आप लोगों को इस पूरी की पूरी एक हफ्ते की तंत्र चर्चा में आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो तंत्र चर्चा की शुरुआत करते हैं हम लोग गुरु और दीक्षा से। जैसे कि आजकल के समय में क्या एक फैशन बन चुका है कि व्यक्ति जो होता है वो दीक्षा लेता है तंत्र मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और वो सोचता है कि मैंने जैसे अगर दीक्षा ली है तो मुझे सब कुछ जो है वो अपने आप मिल जाएगा, और जो गुरु पद पर आसीन जो व्यक्ति हैं, जो गुरु पद पर आसीन जो महानुभाव हैं, वो लोग मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि जुड़ने वाले सभी शिष्यों में से अधिकतम शिष्य ऐसे होते हैं जो इस भावना के साथ में या फिर ये उद्देश्य उनका होता है कि या तो हम अपने गुरु से या तो हम दीक्षा लेकर के कोई बहुत सिद्ध चमत्कारी पुरुष बन जाएंगे, या फिर हम अपने गुरु से अपने सारे काम करवा लेंगे, या फिर हम कुछ ऐसी विचित्र शक्तियों के मालिक बन जाएंगे जो किसी के पास में नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ से शुरुआत करूँगा, इसी चीज़ के साथ में मैं आगे इस तंत्र चर्चा का आरंभ करूँगा। बाबा महाकाल को, बाबा कपाल भैरवनाथ को, माता महाकाली को साक्षी मान करके मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को जितना हो सके उतना संभव मार्गदर्शन जो है वो किया जाए, और उसके बाद में मैं आप लोगों के सवाल जो है उनको देखता हूँ। मैंने देखे हैं उसमें कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है, और काफ़ी अच्छे सवाल हैं वो। देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो एक प्रकार का संबंध होता है जिसमें कि एक शिष्य भले अपने गुरु के बारे में गलत सोच ले, ठीक है, सोच जरूरी नहीं है कि सभी शिष्य ऐसे होते हैं, परंतु अधिकतम शिष्य इस प्रकार से होते हैं जो किसी न किसी विशेष भावना से या फिर किसी न किसी विशेष मनोकामना से अपने गुरु का चयन करते हैं, और समय के साथ में उनकी वो मनोकामना या तो पूरी होगी या पूरी नहीं होगी। यदि पूरी होती है तो वो ठीक है, फिर वो आपको गुरु मानेंगे, नहीं तो यदि उनकी वो मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वो आपका त्याग करके चले जाएंगे। ठीक है, ये समस्या क्यों आती है, क्योंकि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप लोगों का बोलते ना कि जो आप लोग चाहते हो अपने गुरु से, वो इतना ज़्यादा है कि मैं ही नहीं कोई भी गुरु होगा तो वो आपको मना ही करेगा उस चीज के लिए। एक किस्सा मैं आप लोगों को छोटा सा सुनाता हूं, हो सकता आप लोगों ने सुना हो सकता आप लोगों ने ना सुना हो। एक गुरु के कई सारे शिष्य थे, ठीक है, और उस गुरु के उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य उसका ऐसा था जो बहुत तेज था। बहुत तेज का मतलब वो विद्याध्ययन में तेज था, वो साधनाओं के अंदर वो काफ़ी अच्छे प्रकार से अपनी साधनाओं को करता था, परंतु उसे एक शंका थी। उसे शंका ये थी कि मेरे गुरु के पास में कुछ ऐसा है जो वो मुझे देना नहीं चाहते। ठीक है, तो उसने अपने गुरु से ज्ञान अर्जित करते करते इतना समय बिता दिया कि एक समय पर आकर के उसको लगने लगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मतलब कि मैं अपने गुरु से भी ज़्यादा महान हूँ। ठीक है, मेरे गुरु मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो इस भावना के अंतर्गत, इस भावना से प्रेरित होकर के उसने अपने गुरु को युद्ध की चुनौती दी। युद्ध यानी कि खुला युद्ध, लड़ाई। ठीक है, और इस युद्ध की चुनौती के अंदर क्या हुआ कि उसके गुरु को उसने एक हफ्ते का समय दिया कि मैं आपको एक हफ्ते का समय देता हूँ, और आप एक हफ्ते के समय में जो आपकी तैयारी है वो आप अपनी तैयारी पूरी करके तो मेरे साथ में युद्ध करिए। ठीक है, तो उसके गुरु ने ये खबर उस तक भिजवाई
कि कोई जाकर के उसको ये बताए कि जो तुम्हारे गुरु हैं वो 15 फुट की मयान तैयार करवा रहे हैं, मयान जो वो जिसमें तलवार रखी जाती है, ठीक है, तो 15 फुट की मयान तलवार तैयार करवा रहे हैं। तो उसके शिष्य को लगा कि मेरे गुरुजी अगर 15 फिट की मयान तैयार करवा रहे हैं तो 15 फिट की तलवार भी तैयार करवा रहे होंगे। तो उसने उसने 20 फुट की तलवार तैयार करवाई, और जिस दिन लड़ाई हुई यानी कि जिस दिन युद्ध का दिन निश्चित था, उस दिन जब वो गया तो उसके गुरु ने उसको बोला कि देखो मैं तुम्हें अंतिम बार बता रहा हूँ कि जिसको तुम चुनौती दे रहे हो तुम उसको भी चुनौती देने के लायक नहीं हो, ठीक है। तो नहीं माना वो। अब वो क्या करे, उसने अपनी तलवार निकालनी शुरू कर, जब 20 फुट की तलवार निकालते निकालते उसको समय लगता, उधर उसके गुरुजी ने जो थी 15 फुट की मायान में 2 इंच इतनी सी, इतना सा चाकू उन्होंने उसमें तैयार करवा के डाल रखा। तो उन्होंने चाकू निकाला, गले पर रख दिया उसके, वो तलवार ही निकालता रह गया। इस घटना से हमें क्या समझने को मिलता है? इससे हमें ये समझने को मिलता है कि आपको ये लगता है कि आप अपने गुरु से 4 कदम आगे चल रहे हैं, या फिर आप अपने गुरु को चुनौती देने के अधिकारी हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। एक गुरु हमेशा अपना एक भाग जो है वो छुपा करके रखता है, एक भाग को वो है जो प्रशस्त करके रखता है आपातकाल के लिए, जिसमें कि वो उस विद्या का प्रयोग या फिर वो उस शक्ति का प्रयोग जो है वो कुछ ऐसे समय पर वो कर सके उनको, जहां पर कि उसको उसकी वाकई जरूरत हो, ठीक है। और ये मेरे साथ ही नहीं, हर गुरु के साथ में होता है। हर गुरु जो है अपना एक पक्ष जो है वो छुपा करके रखता है, अपने एक पक्ष को जो है वो उजागर नहीं करता है, ठीक है। तो जितने भी शिष्य जो है व्यक्ति आज के समय में गुरु बनाना यानी कि गुरु को वरण करना, ये एक प्रकार का फैशन बन चुका है। फैशन इन द सेंस कि आपको ये लगता है कि मैंने अपने गुरु को बना लिया, अब मेरे लिए सारा कार्य जो है मेरे गुरु ही करेंगे, ठीक है। आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो गुरु होता है वो केवल आपका मार्गदर्शन करेगा, एक गुरु आपका केवल और केवल आपको रास्ता दिखाएगा, उस रास्ते पे चलना ना चलना आपका स्वयं का निर्णय होगा, ठीक है ना। एक गुरु आपको सब कुछ बताएगा, वो आपको सब कुछ सिखाएगा। एक गुरु कभी ये नहीं चाहता कि वो उसके शिष्य आगे ना बढ़े, एक गुरु कभी ये नहीं चाहता कि उसके शिष्य जो हैं वो हमेशा मंत्र साधनाओं में लगे रहें या फिर हमेशा तंत्र साधनाओं में लगे रहें और वो कभी आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। एक गुरु कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहता, और एक गुरु उसको ये प्रसन्नता होती है जब उसका कोई शिष्य आगे बढ़ता है, या फिर जब उसके शिष्य का कहीं नाम होता है, या फिर जब उसके शिष्य को कहीं ख्याति प्राप्त होती है, तो उसमें सम्मान उसका अधिक नहीं होता, उसके गुरु का सम्मान अधिक होता है। क्योंकि आज भी चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा जो कीमत है वो चाणक्य की ही है, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब मैं जरा एक बार आप लोगों के सवाल देखता हूं जो आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे अपने सवाल पूछे थे। विशाल कुमार गोंड जी का सवाल था कि जय माता दी भैया जी, मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम में सच्चे और सिद्ध गुरु कैसे मिलेंगे? क्या सिद्ध और सच्चे गुरु को पाने का, उनसे मिलने का कोई रास्ता या उपाय है, कोई मार्ग है तो प्लीज बताइए। तो विशाल कुमार जी को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार के गुरु को ढूंढ रहे हैं वो गुरु आपके आसपास ही है, ठीक है। रही बात सिद्ध गुरु की, सिद्ध आप किसे कहते हैं, आपके हिसाब से सिद्ध की परिभाषा क्या है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए सिद्ध की परिभाषा क्या होती है? एक सामान्य व्यक्ति जब देखता है कि मेरा गुरु, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने चमत्कार दिखाए हो या फिर जिसने बहुत सारे लोगों का इलाज किया हो या जो भूत प्रेत हटा सकता हो, वो उसको सिद्ध मानता है। जबकि एक वास्तविकता ये है कि ये भूत प्रेत हटाना और चमत्कार दिखाना ये बच्चों का खेल होता है, और ये बच्चे करते हैं, इन्हें हम तंत्र की भाषा में चुटकुले कहते हैं कि ये चुटकुले चलाने होते हैं। एक वास्तविकता में जो सिद्ध गुरु होगा और वास्तविकता में जो एक सच्चा गुरु होगा, वो कभी भी आपको इस प्रकार की चीजों के लिए प्रेरित नहीं करेगा, ठीक है। एक वास्तविक गुरु कभी भी आपको इस प्रकार की चीजों के लिए ना तो प्रेरित करेगा कि आप चमत्कार की तरफ आकर्षित होइए, और ना ही एक वास्तविक गुरु कभी भी आपको आपके मार्ग पर भटकने देगा। वो आप चाहे उससे जिद करें कि नहीं मुझे यही चाहिए, अगर वो चीज आपके लिए सही नहीं है तो वो चीज आपको आपके गुरु कभी नहीं देंगे। एक इनके इस सवाल को देख करके मेरे को एक बात याद आई कि एक एक मानसिकता लोगों के अंदर ये भी है कि गुरु यदि सामर्थ्य है तो वो शिष्य को सब कुछ प्रदान करने का
अधिकारी अधिकार रखता है, यानी कि शक्ति रखता है। बिल्कुल सत्य बात है कि अगर गुरु अगर चाहे तो अपने शिष्य को क्षण भर के अंदर सब कुछ प्रदान कर सकता है, परंतु क्या वो शिष्य उसे धारण करने की क्षमता रखता है अपने अंदर? गुरु जो जादूगर जादू दिखा है, यानी कि जो चमत्कार दिखाया है, वो चमत्कारी होता है, वो जादूगर होता है, वो गुरु नहीं होता। गुरु वही होता है जो आपको रास्ता दिखाएगा। गुरु वो होता है जो आप लोगों को बताएगा कि इस रास्ते पर चलने से तुम्हारा अहित होगा या हित होगा, ठीक है। और यहां पर मैं बात करूंगा एक बार गुरु त्याग की भी। जो व्यक्ति गुरु त्याग करके ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर चला दिया है, कि हमने अपने गुरु का त्याग कर दिया है, गुरु त्याग करने की स्थिति कब बनती है? कभी मैंने ये नहीं सुना कि कभी किसी सखीनाराम बाबा के किसी शिष्य ने उनका त्याग किया हो, या फिर कोई बड़े महात्मा हुए हैं जिनके शिष्यों ने उनका त्याग किया हो। ये त्याग करने का जो फैशन है, ये अब चल पड़ा पिछले 10 सालों में कि मैंने अपने गुरु का त्याग कर दिया, मैंने अपने गुरु का त्याग कर दिया। एक गुरु आपको जो गुरु मंत्र प्रदान करता है, ठीक है, वो गुरु मंत्र किसी ना किसी देवता का होता है। वो गुरु मंत्र या तो माता का होगा या बाबा का होगा या फिर किसी ना किसी देवता का ही होता है। जैसे कि मैं अपने सारे शिष्यों को जो है उनकी उनके पात्रता के हिसाब से और जिस शक्ति की उनके ऊपर कृपा है उसके हिसाब से उनको मैं गुरु मंत्र देता हूँ, ठीक है। शिष्यों के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ये सभी के शिष्यों में होती है, ये मेरे शिष्यों में भी है, और मेरे सभी शिष्य इस वीडियो को देखे तो समझे इस बात को और सुने ध्यान से, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझेंगे। आप इंसान को अपना गुरु मान रहे हो, मैं केवल माध्यम मात्र हूँ, मैं केवल एक रास्ता हूँ जिस रास्ते के थ्रू आपको एक देवता का मंत्र प्राप्त हुआ है। वास्तविकता में जो आपके गुरु होते हैं वो उस मंत्र के अधिष्ठात्र देवता होते हैं जिनका मंत्र आपको प्राप्त हुआ है। उदाहरण के रूप में यदि मैं किसी व्यक्ति को भगवान शिव का गुरु मंत्र देता हूँ, ओम नमः शिवाय, तो मैंने उस शिष्य को अपना, मैंने उस व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाया है, मैंने उस व्यक्ति को साथ में एक तार जोड़ा है भगवान तक, उस देवता के साथ में जिस देवता का आशीर्वाद उसे पूर्व से प्राप्त है। तो वास्तविकता में आपका गुरु मैं नहीं हुआ, वास्तविकता में जो आपके गुरु हुए वो देवता हुए जिन देवता का आपको मंत्र प्राप्त है, ठीक है। जब आप देखिए, कमियां सबके अंदर होती हैं, कमियां मुझ में भी हैं, कमियां आप में भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। परंतु यदि आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे गुरु के अंदर कमी क्या है और उस कमी के बेसिस पे मैं उसका त्याग कर रहा हूँ, उस कमी को मैं आधार बना करके अपने गुरु का त्याग कर रहा हूँ, तो आप अपने गुरु का त्याग नहीं कर रहे, आप उस देवता का त्याग कर रहे हैं एक रूप से, जिस देवता का मंत्र आपको मिला हुआ था। क्योंकि वास्तविकता में आपका गुरु मैं नहीं हूँ, वास्तविकता में आपका गुरु वो मंत्र है जो आपको प्राप्त हुआ है, वास्तविकता में आपके गुरु वो देवता हैं जिन देवता का गुरु मंत्र आपको मिला था, जिसे कि आप लोग समझ नहीं पाए। जब इस प्रकार की भावना व्यक्ति के हृदय में रहेगी कि मेरा इस व्यक्ति से, धनंजय तिवारी से, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना सिर्फ उस देवता के साथ में है जिस देवता का मुझे मंत्र मिला हुआ है, मेरे भाव केवल उस देवता के साथ है, तो गुरु मंत्र, गुरु त्याग की भावना जो है वो कभी आएगी ही नहीं। क्योंकि त्याग करने की अगर बात है तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। अगर मैं अपने शिष्यों की कमियां देख करके उनका त्याग करने लगा तो फिर क्या होगा? या फिर अगर कोई भी गुरु अगर बोले कि नहीं, तू तो सीख ही नहीं पाता, तू तो कर ही नहीं पाता, तू कुछ करता ही नहीं है, अगर इस प्रकार से मैं या फिर कोई भी गुरु अपने शिष्यों का त्याग करने लगे तो फिर उसका क्या परिणाम होगा? आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो गुरु त्याग जैसी चीज़ों से दूर रहें, और गुरु त्याग करना ही है अगर तो आप गुरु ना बनाएं वो ज़्यादा उचित है आपके लिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंत्र कैसे बनते हैं? हर्षित पंत जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मंत्र कैसे बनते हैं। मंत्र कैसे बनते हैं ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मंत्र होते क्या हैं। आप लोगों को लगता है कि मंत्र कोई एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत एक अलग कोई विद्या है जिस विद्या से हम लोग एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। वास्तविकता में मंत्र जो है वो सामान्य बोलचाल की भाषा होते हैं, ठीक है। देवताओं से वार्तालाप करने का, देवताओं से मंत्रणा करने के लिए जो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मंत्र कहा जाता है, ठीक है। और ये मंत्र जो होते हैं ये कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर की हम अपने देवता से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस कार्य को सिद्ध करो, या फिर आप हमारे इस कार्य को उसको हमारी इस अभीष्ट मनोकामना को आप पूर्ण करो। उदाहरण के रूप में यदि हम लोग बात करते हैं ओम नमः शिवाय की, इसके अंदर ओम जो है वो प्रणवाक्षर है। प्रणवाक्षर का अर्थ, ये प्रणव का अर्थ ये होता है कि किसी भी मंत्र के आरंभ में जब ओम लग जाता है तो वो मंत्र जो है स्वयं निराकार ऊर्जा में विलीन हो जाता है,
ठीक है, वो ओम लगा, वो किसी भी मंत्र के आगे ओम लगने का अर्थ ये है कि आप जिस मंत्र का जाप अब करोगे वो मंत्र जो है इसी ओम से प्रकट हुआ है। इसी ओम से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए थे, 14 सूत्र जो थे संस्कृत, जिनका संस्कृत, जिसके आधार पर तैयार हुई है, जिसके आधार पर संस्कृत भाषा बनी है, वो माहेश्वर सूत्र जो थे वो 14 माहेश्वर सूत्र थे जो भगवान शिव के डमरू से प्रकट हुए थे। और इसी के ऊपर में ब्राह्मी और देवनागरी की संपूर्ण जो कहानी है वो लिखी हुई है संस्कृत में। जब मुझे किसी से बात करनी है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई मित्र है, मैं अपने मित्र से बोलना चाहता हूं कि ये काम कर दो, ठीक है, तो ये मैं हिंदी में उसको बोल रहा हूँ, हालांकि ये भी एक मंत्र है क्योंकि मैं उससे एक मंत्रणा कर रहा हूँ, ठीक है। संस्कृत में जो मंत्र हम बोलते हैं वो मंत्र, मैं उदाहरण के रूप में माता प्रत्यंगिरा का एक मंत्र लेना लेना चाहूँगा, और वो मंत्र कुछ इस प्रकार है कि ओम प्रत्यंगिराय नमः, प्रत्यंगिरे सकल कामान साधये, मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान् शत्रु, मारय मारय खादय खादय घातय घातय, ओम रीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र को समझिए, ये मंत्र क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैंने इस मंत्र में माता प्रत्यंगिरा को नमस्कार किया है कि ओम प्रत्यंगिराय नमः, प्रत्यंगिरे सकल कामान साधये, हे माता प्रत्यंगिरा मेरे सकल कार्यों को जो है आप साधो, सकल कामान साधये, मम रक्षाम कुरु कुरु मेरी रक्षा करो, सर्वान शत्रुओं को मारे मारे, खादय खादय घातय घातय, मेरे जितने भी जो शत्रु हैं उनको आप मारो, उनको आप खा जाओ, उनको आप भक्षण कर लो उनका। और अंत में हम लोग जो है इसमें ओम रीम ओम फट स्वाहा, ये जो है ये मंत्र की कुल्लुका और पल्लव आदि मिला करके ये मंत्र तैयार हुआ। तो इस मंत्र को यदि आप लोग देखेंगे तो इस मंत्र में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने माता प्रत्यंगिरा से एक बात बोली है कि माता प्रत्यंगिरा आप मेरी रक्षा करिए, मेरे जो सब शत्रु हैं उनका नाश करिए। ठीक उसी प्रकार से मैं उदाहरण के रूप में लेना चाहूंगा कपाल भैरव महामंत्र को। ओम कम महाकपाल भैरव देवता, सर्व उच्चिष्ट विद्या नाम स्तंभय स्तंभय, सर्व इष्ट विद्या नाम जागरय जागरय, सर्व अभीष्ट कार्य सिद्ध्यर्थे ओम कम फट स्वाहा। ठीक है, ये कपाल भैरव महामंत्र है। इस मंत्र में बाबा कपाल भैरव को सबसे पहले स्मरण किया गया है कि ओम कम महाकपाल भैरव देवता, उनको यहाँ पर स्मरण किया गया है, उनका ध्यान किया गया है। उसके बाद में उनसे ये प्रार्थना की गई है कि आप सभी उच्चिष्ट विद्याएं, उच्चिष्ट विद्याएं की उच्चिष्ट विद्याओं करते यहाँ पर वो विद्या उन विद्याओं से है जो विद्याएं व्यक्ति के नाश के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, सभी आप सभी उच्चिष्ट विद्याओं का स्तंभन करो, और सर्व इष्ट विद्या नाम जागरे जागरे, मेरी जो इष्ट विद्याएं हैं यानी कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ उन विद्याओं को आप जागृत करो, और मेरे जो सर्वार्थ कार्य हैं उनको आप सिद्ध करो। तो ये बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं एक बात करना चाह रहा हूँ बाबा कपाल भैरव से, या फिर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ माता प्रत्यंगिरा से, और इन्हीं वार्तालाप के जो ये वाक्य होते हैं इन्हें मंत्र कहा जाता है, और मंत्र ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बाबा कपाल भैरव से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जो है मेरे सारे रोग दुख का नाश करिए, आप सभी मेरे जो कष्ट हैं उनका नाम नाश करिए, तो इसके अंदर मैं बाबा कपाल भैरव को पहले स्मरण करूंगा, उनसे मैं कहूंगा कि ओम कम महाकपाल भैरव देवता, मम सर्व रोग व्याधि नाशय नाशय, ओम कम फट स्वाहा। ये मंत्र, ये कोई मंत्र नहीं है, आप लोगों को लगेगा कि ये कोई मंत्र है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मेरे दिमाग की उपज है। ठीक है, मंत्र ऐसे बनते हैं जब हम, और इनको ये जागृत कैसे होते हैं, ये मंत्र दूसरों के लिए कार्य कैसे करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। मैंने एक मंत्र का, देखिए उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति है जो मेरे सामने है, मैं उसे आवाज दूंगा, तो जब मेरी आवाज उसके कान में पड़ेगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो पलट करके अपनी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, तो जब वो व्यक्ति पलट करके अपनी प्रतिक्रिया देगा तो इसका मतलब कि मुझे ये पता चल जाएगा कि नहीं, वो व्यक्ति जो है मेरी बात सुन रहा है। ठीक उसी प्रकार से मंत्र जो है एक लिमिटेड, एक निश्चित सीमा पर पहुंच करके उस देवता को सुनाई देने लगते हैं। ठीक है, और वो देवता उस, जैसे ही वो मंत्र देवता के कानों में पड़ेगा, जैसे ही मेरी बात वो देवता के कानों में पड़ेगी, तो वो मुझे जो है उसकी प्रतिक्रिया देंगे, वो मुझे जो है उत्तर देना आरंभ करेंगे। उस पर अवस्था में हम ये कहते हैं कि मंत्र जो है वो जागृत हो चुका है। ठीक है, मंत्र जो है वो जागृत हो चुका है, और हम लोग उस मंत्र का फिर जो है आगे प्रयोग करते हैं अन्य कार्यों के लिए। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि ओम कम महाकपाल भैरव देवता मम सर्व रोग व्याधि नाशय नाशय ओम कम फट स्वाहा, ये कोई मंत्र नहीं है, ये केवल एक बात है जो मैं बाबा कपाल भैरव से करना चाह रहा हूँ। जब ये मेरी बात उस सीमा तक पहुंच जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी को टच कर लेगी जिस फ्रीक्वेंसी पे कि बाबा कपाल भैरव सुनते हैं, ठीक है, तो बाबा कपाल भैरव उसका जवाब देंगे। यदि वो चाहेंगे तो मेरे सभी रोग दुखों का नाश करेंगे, और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि मेरे को देखो, मैंने इस मंत्र का जाप किया, मुझे ये प्राप्त हुआ। आप लोग उस मंत्र को सिद्ध समझ करके उसका आप जाप करना आरंभ करोगे, फिर उसके आप लोगों को अनुभव प्राप्त होंगे,
ये मंत्र इस प्रकार से कार्य करते हैं। ये सवाल एक और व्यक्ति का था यहाँ पर, जो कि पूछना चाहते थे कि मंत्र काम कैसे करते हैं। आयुष पंडित जी का ये सवाल था कि हाउ मंत्र वर्क्स, इज इट वर्क्स ऑन फ्रिक्वेंसी लेवल। देखिए, अगर आप साइंस के जानकार हैं थोड़े से भी, तो आपको ये बात पता होगी कि साइंस के अंदर एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी, मिनिमम 25 हर्ट्ज से लेकर के, मतलब कि कुछ फ्रिक्वेंसी होती है 25 से लेकर के 25,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बीच की आवाज़ जो है हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्रिक्वेंसी क्या है जिस फ्रिक्वेंसी पे देवी देवता आपकी बात सुनते हैं? वो फ्रिक्वेंसी निश्चित रूप से या तो 25 हर्ट्ज से कम होगी या 25,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। ठीक है, जिस फ्रिक्वेंसी पर की देवी देवता जो है आपकी बात सुनते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा है आयुष जी ने कि मंत्र प्लस यंत्र के कॉम्बिनेशन से तंत्र कैसे चलते हैं। मंत्र होते हैं बात करने का तरीका, ठीक है, यंत्र होता है वो मशीन जिससे कि वो मंत्र चल रहा है या जो उस मंत्र से चलेगा। और इन दोनों की जो समावेश जब इन दोनों का होता है तब बनता है तंत्र। अगर आप तंत्र की परिभाषा देखेंगे तो तंत्र की परिभाषा ये है कि तंत्र एक क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया को इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? हमारे शरीर में भी तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वास तंत्र है, ठीक है। हमारे शरीर भी एक प्रकार का, हमारा शरीर जो है वो एक यंत्र है, ठीक है। जो हमारा शरीर एक प्रकार का यंत्र है, जो जब हम उसके अंदर मन के अंदर उठने वाले विचारों का समावेश करते हैं तो वो मंत्र प्लस यंत्र बन जाता है। उसके बाद में वो एक क्रिया को संपन्न करता है जो कि हम जिसे तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब होता है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म का अर्थ ये होता है कि किसी कार्य को करने की विधि। ये तंत्र और मंत्र और यंत्र जो है इस प्रकार से कार्य करते हैं। माँ जगदम्बा व साधना, आपने पूछा कि तंत्र क्या है, तंत्र का प्राकट्य क्यों हुआ, जब वैदिक थे तो लोग तंत्र से क्यों डरते थे। आपके इस सवाल का जवाब जो है मैंने अपनी प्रथम तंत्र चर्चा में दिया हुआ है। आप यूट्यूब पर सर्च करिए तंत्र चर्चा, या फिर मेरे चैनल पर अगर आप जाकर के देखेंगे कि तंत्र चर्चा का जो विषय है कहाँ पर है, तो आप लोग उसमें जो सबसे पहला तंत्र चर्चा का जो सबसे पहला भाग है उसके अंदर मैंने शुरुआत इसी टॉपिक से की थी कि तंत्र का प्राकट्य कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, उसके अंदर क्यों चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का जो सवाल है वो यही है कि तंत्र क्या है, तंत्र कैसे असर करता है, तंत्र क्या है, तंत्र कैसे असर करता है। एक ये हेमंत सिंह जाटव जी का ये सवाल है, ये भी यही पूछ रहे कि तंत्र कैसे असर करता है। उसके बाद में शिवम सोनी जी का एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि तंत्र मरे हुए इंसान को जीवित कर सकता है क्या, तंत्र मनुष्यों की मुक्ति करवा सकता है। इन सभी सवालों का मैं जवाब देता हूँ आप लोगों को। तंत्र क्रिया कैसे असर करती है, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि कोई भी तंत्र क्रिया जो होती है वो कब और किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति के ऊपर में असर करती है। तंत्र क्रिया के किसी भी व्यक्ति के ऊपर असर करने की तीन अवस्थाएं होती हैं। उन तीन अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में भी यदि वो व्यक्ति है तो किसी भी प्रकार के तंत्र का जो है उसके ऊपर असर हो जाएगा। तो उसके अंदर जो सबसे पहली अवस्था होती है वो अवस्था ये होती है जहाँ पर वो व्यक्ति अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यदि मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति जो है अगर सिद्धि प्राप्त करता है या फिर अगर किसी मंत्र को जागृत करता है तो उसने उस मंत्र का कितना जाप किया होगा, उसने उस मंत्र का 20 करोड़ जाप किया होगा, 50 करोड़ जाप किया होगा, ठीक है। उस 20-50 करोड़ के जाप से उसको कोई हल्की सी शक्ति मिल गई, उसको कोई सिद्धि मिल गई या देवी देवताओं ने उसके ऊपर कृपा कर दी, तो वो व्यक्ति जो है उसके अंदर सबसे पहली भावना ये होती है कि मैंने देवता के दर्शन कर लिए, मेरे को कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है और अब जो है मैं बहुत ही कोई सिद्ध पुरुष जो है वो बन चुका हूँ, अब मेरे सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता। तो ये अवस्था सबसे पहली होती है जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र असर कर देता है। दूसरी अवस्था वो होती है जब व्यक्ति अपने अहंकार में आकर के सामने वाली शक्तियों को चुनौती देता है। उदाहरण के रूप में यदि मैं भैरव का उपासक हूँ तो मैं भैरव के उपासक होने के बाद में ये नहीं कर सकता कि मैं भूत पिशाचों को गाली देना शुरू करूँ या मैं भूत पिशाचों के सामने जाकर के चैलेंज करना शुरू करूँ कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि आओ और मेरा सामना करो। उस परिस्थिति में आपके भैरव जो है आपका भी साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आप शक्ति के महत्व को नहीं समझे, आप शक्ति के तत्व को नहीं समझे। शक्ति का तत्व ये कहता है कि भूत पिशाच, भैरव, शिव, काली, ये केवल ऊर्जाएं हैं,
एक ही ऊर्जा से सबका प्राकट्य हुआ है, एक ही ऊर्जा से सबका जन्म हुआ है और सभी के अंदर जो है वही ईश्वरीय तत्व जो है वो विद्यमान है। ये ना केवल भूत प्रेतों की बात यहाँ पर या शक्तियों की बात करना उचित नहीं होगा, यहाँ पर बात करना उचित होगा उन सभी मनुष्यों की या फिर वो सभी जीव जो प्रकृति में उपस्थित हैं उन सभी के लिए। यदि आप कोई भी प्रकार की अनिष्टपूर्ण भावना रखते हैं या फिर आप कायिक मानसिक और वाचिक तीनों में से किसी भी प्रकार से आप किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचाते हैं तो वो आपको जो है उसका फल भोगना पड़ेगा, और उसका फल आज के समय में यही होता है कि वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, तंत्र बाधा व्यक्ति को कर्म का फल देने के लिए भी प्रयोग में की ली जाती है देवी देवताओं के द्वारा, कि यदि आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिससे कि आपको उसके फल भोगने पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपके पीछे कोई भूत पड़ जाए, आपके पीछे कोई पिशाच पड़ जाए और आप लोग उसके साथ में परेशान हो जाए। ठीक है, तीसरी अवस्था तंत्र के किसी के ऊपर भी असर करने की ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जब देवी देवताओं का अपमान करता है, ठीक है, जब वो अपमान करता है यानी, और सबसे खास तौर पर वो अपमान तब करता है जबकि वो उस व्यक्ति की या उस देवता की वो उपासना कर रहा है, उस देवता की वो पूजा कर रहा है। ठीक है, जब आप पूजा में होते हैं तब आपका मन जो है, आपका मन मस्तिष्क जो है आपके देवता से जुड़ा हुआ होता है, आपको वो अनुभव हो या ना हो, परंतु यदि आप पूजा में बैठे हैं, यदि आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, यदि आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपका मन मस्तिष्क जो है कहीं ना कहीं अपने देवता से जुड़ा हुआ होता है। उस परिस्थिति में यदि आपके मन के अंदर कोई भी भावना उत्पन्न होती है जो कि गलत है तो वो देवताओं को जानने में उसको समय नहीं लगता। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि तंत्र आज के समय में लोगों को कर्म फल देने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है, तो जब व्यक्ति के कर्म फल का समय होता है तो वो या ग्रहों के प्रभाव से कह लीजिए, शनि राहु केतु के प्रभाव से कह लीजिए, या फिर सामाजिक परिस्थितियों से कह लीजिए, या फिर अपने किसी शत्रु के प्रभाव से कह लीजिए, उसे किसी न किसी प्रकार से तंत्र बाधा का सामना जो है वो करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर एक जो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों से बात जिसकी करना चाहूँगा कि आप लोगों को ये समझना होगा कि तंत्र असर कैसे करता है। ठीक है, तंत्र मान के चलिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, और अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया करना चाहता हूँ जो व्यक्ति मुझसे लाखों मील, लाखों करोड़ों, लाखों किलोमीटर दूर बैठा है या हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, तो ये कैसे होता है कि यहाँ बैठे बैठे वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को निष्प्रभाव कर देता है या उसको निस्तेज कर देता है या उसको दंड दे देता है? क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में कोई इतना जो है तुरम खान नहीं हुआ है कि वो किसी के अहित के लिए या तो पैसे फूके या फिर वो उसको जो है दंड देने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार की चीज़ों को प्रयोग करे। वो यही करता है कि वो किसी तांत्रिक के पास जाएगा, उसको 20-25 हज़ार रुपये देगा, उसको बोलेगा कि इसको मार दो, वो मार देगा। मर भी जाते हैं लोग, कितनी बार ऐसा हुआ है मेरी आंखों के सामने, मैंने देखा है कि लोग चैलेंज करते हैं कि मैं तुझे 3 दिन के अंदर अंदर जो है खा जाऊंगा, और बंदा 3 दिन में मर भी जाता है। ये कैसे होता है, कौन करता है ये? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, हालांकि आज तक यूट्यूब पे इसके बारे में कोई जल्दी बात नहीं करता। आप लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि तंत्र क्रियाएँ जो हैं असर किस प्रकार से करती हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है, बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि तंत्र क्रिया जो है वो असर किस प्रकार से करती है। तो देखिए, उदाहरण के रूप में मेरा कोई शत्रु है, ठीक है, मेरा शत्रु जो है वो अमेरिका में रहता है, मैं इंडिया में रह रहा हूँ। अब मेरे को अगर उसको मारना है, अगर मेरे को उसको दंड देना है, तो मैं क्या यहाँ से अमेरिका थोड़ी ना जाऊँगा? ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ क्रियाएँ करूँगा। ये क्रियाएँ क्या होती हैं? ये एक माध्यम होता है आपको आपके आसपास उपस्थित ऊर्जाओं से जोड़ने का। उदाहरण के रूप में यदि मैं एक मसान की क्रिया करता हूँ, मैं कोई मसान उठाता हूँ शमशान से, ठीक है, और मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा ये काम है, ये काम जा करके तू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो मसान कोई प्रत्यक्ष रूप लेकर के आपके घर में जाएगा, आपको मारपीट करके वापस मेरे पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसे तंत्र से नहीं करता है। तंत्र ऐसे असर करता है कि वो मसान आपके पास में जाएगा, आपको पता लगे बिना वो आपके घर में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा जिससे कि आप परेशान हो जाओगे। परेशान होने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका दिमाग जो है, जो कार्य में लगना चाहिए था, जो किसी अच्छे कार्य में लगना चाहिए था, वो उस अच्छे कार्य में ना लग करके आपके परिवार की परेशानियों को दूर करने में ही लग जाएगा। ठीक है, तंत्र क्रिया के असर करने के 3 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले
उस नकारात्मक शक्ति द्वारा, उस नकारात्मक ऊर्जा द्वारा, जो नकारात्मक ऊर्जा यहाँ से मेरे द्वारा भेजी जाएगी, वो नकारात्मक ऊर्जा आपको सप्रेस करेगी। सप्रेस करने का मतलब ये होता है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार के बदलाव लाएगी जिससे कि आप विचलित हो जाएंगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप किसी एक जगह पर अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। जब हम ये कैसे होता है, देखिए लोग, आप लोगों ने अगर नोट करा हो, आप लोगों ने अगर गौर किया हो, तो तंत्र क्रिया जब किसी व्यक्ति के ऊपर की जाती है तो व्यक्ति उस क्रिया के प्रभाव से वो अपने धन से पीड़ित हो जाता है, वो अपने उसके घर में अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, वो उसके घर में अनेक प्रकार के बोलते हैं कि आपदाएं आने लगती हैं। ये कैसे होता है? क्या एक मसान इतना शक्तिशाली हो सकता है क्या कि मैं उसको बोलूँ कि तू जा इसको ऐसे ऐसे कर दो, वो कर देगा? वो इतना शक्तिशाली कोई भी मसान जो है या कोई भी शमशान जो है नहीं होता है। ये असर ऐसे करता है कि वो केवल आपके आसपास का जो ऑरा मंडल है वो उस ऑरा मंडल को इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि आपका दिमाग जो है खुद ब खुद बाकी चीजों से हट जाएगा, आपका ध्यान काम में नहीं लगेगा। जब काम में ध्यान नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली पैसों की समस्या आ जाएगी, ठीक है। जब आपका ध्यान काम में नहीं लगेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, तो उस मेंटली डिस्टर्बेंस का असर कहीं ना कहीं आपके शारीरिक शरीर पर भी पड़ेगा, आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा, आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। जब आप बीमार होना शुरू हो जाओगे तो आपके घर वाले ऑटोमेटिक आपकी टेंशन लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब आपके घर वाले आपकी टेंशन लेना शुरू कर देंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। तो ये ऐसे काम करता है। भूत प्रेत जाकर के कभी आपको धन के मार्ग रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कभी आपको जाकर के क्या कहते हैं मारना पीटना नहीं शुरू करेंगे। ये चीजें बहुत एक ना इमेजिनेशन होती है लोगों की, मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरे को कोई भूत आया था मेरी छाती पे बैठ के मेरे को मार रहा था, ये इमेजिनेशन होती है आप लोगों की। आप लोग इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। वास्तविकता में जो तंत्र क्रिया होती है वो इस प्रकार से असर करते हैं कि यदि मैं किसी भी नकारात्मक शक्ति को आदेश देता हूं कि आप जाकर के इसका हित करो, तो वो जाकर के सबसे पहले आपके आसपास के वातावरण को परिवर्तित करेगी, आपके आसपास के वातावरण में कुछ इस प्रकार की चीजों को जन्म देगी या उन परिस्थितियों को बनाएगी जिन परिस्थितियों में उलझ करके आप अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे, आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दोगे, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दोगे, और ऑब्वियसली आपके साथ में चीजें अलग अलग घटना शुरू हो जाएंगी। इसका दूसरा चरण होता है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन आप सभी लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे, मैक्सिमम लोग, आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन का अर्थ होता है कि आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति होती है जो वो शून्य हो जाती है, आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाओगे, आप लोग कुछ भी सोच नहीं पाओगे, आपका दिमाग कार्य करना बंद कर देगा, आपको आत्महत्या के विचार परेशान करने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा जीना बेकार है, ये है वो है। और ये परिस्थिति भी तभी बनती है जब आप अपने आसपास में ऐसी परेशानियां देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे इतनी मेहनत करने का मेरा क्या फ़ायदा हुआ, जब इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, मुझे कोई भी चीज़ जो है वो मिल नहीं रही है, ऐसे तो मेरा जीना बेकार है, ये इस तरीके की भावना। और जब डिप्रेशन में आदमी चला जाता है तो उसका जो दिमाग होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और इन दोनों चरणों के बाद में जो तीसरा चरण आता है वो होता है पोजेशन, जिसमें कि वो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर को अपना वास स्थान बना लेती है, अपना निवास स्थान बना लेती है, और आपका शरीर जो है वो पूर्ण रूप से उस नकारात्मक ऊर्जा के काबू में आ जाता है। इसीलिए ये बात बोली जाती है, और मैंने भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, कि व्यक्ति का जो सबसे बड़ा कवच होता है वो ना दुर्गा कवच होता है ना वो शिव कवच होता है, वो उसका सबसे बड़ा कवच उसका खुद का मस्तिष्क होता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को भ्रमित नहीं होने देंगे, या आप अपने मस्तिष्क को अपने आसपास होने वाली चीज़ों से भ्रमित नहीं होंगे, आपका दिमाग इतना मजबूत है कि आप नकारात्मक परिस्थिति में भी अपने इष्ट देवता का चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो मसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो स्वयं भैरव क्यों ना हो, वो आपके दिमाग को वश में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तंत्र क्रियाएं ऐसे काम करती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। सुरावंदिता जी का एक प्रश्न है कि मुझे किसी ने कहा कि उसने पार्वती गीता और कुछ और जगह पढ़ा कि तंत्र की रचना भगवान शिव ने लोगों के मोह में डालने और भटकाने के लिए की है, मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है? तो देखिए, मुझे ये लगता है कि महानिर्वाण तंत्र के अंदर ये इस बात का उल्लेख आता है, जब भगवान शिव और माता पार्वती का संपूर्ण संवाद तंत्र को लेकर के दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती से भगवान शिव ने ये कहा है कि कलयुग के अंदर जो वेद मंत्र हैं और जो वेद हैं वो उस प्रकार हो जाएंगे जिस प्रकार की एक व्यक्ति जीवित तो है परंतु निष्प्राण है, यानी कि उसका शरीर तो है परंतु वो निष्प्राण है, क्योंकि कलयुग में कली प्रभाव जब बढ़ेगा
उस समय पर वेदों की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी, और जब वेदों की शक्ति क्षीण हो जाएगी तो उस समय पर व्यक्ति जो है उसको वो तंत्र मार्ग का अनुसरण करके वो अपने आप को मुक्ति के और मोक्ष के मार्ग पर आपको लेके जा सकता है। इस बात का मैं आपको, आप लोग देख सकते हैं साइड में यहाँ पर इसका जो है श्लोक दिया हुआ है, और इसमें माता पार्वती की पूरी चर्चा आप लोगों को दिख जाएगी स्क्रीन पर इस समय आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तंत्र का उद्भव जो है, तंत्र का प्राकट्य किसी को मोह में डालने के लिए नहीं हुआ था। तंत्र का प्राकट्य इसलिए हुआ था या तंत्र का उद्भव इसलिए हुआ था ताकि आप जो है कम समय में आप लोग उस तत्व के निकट जा सकें जिस तत्व के निकट जाने के लिए ऋषि मुनि हजारों करोड़ों सालों की तपस्या करते थे। यही है तंत्र के उद्भव का कारण और यही है तंत्र के होने का कारण। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम तो नहीं इस पे आ रहा है, co.cr लिखा हुआ है। इनका प्रश्न ये है कि कालिका पुराण के अंदर रुद्र अध्याय करके एक चैप्टर आता है, उसमें बलि एक्सेट्रा का वर्णन है ऐसा मैंने सुना है, और देवी भागवतम में भी बलि बलि की बात कही गई, और दक्षिण काली के जो स्तोत्र हैं उनमें भी कई जगह बलि का वर्णन है, तो इतनी सारी जगह पर यह सब क्यों बोला गया है? अगर आपको क्वेश्चन ठीक लगे तो ज़रूर बताइएगा। देखिए शिव पुराण के पेज नंबर 664 वायव्य संहिता पूर्व खंड के अंदर 18 पुराणों की जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। उन 18 पुराणों में पहले तो कहीं भी देवी कालिका पुराण का नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमारे वेद पुराणों में 18 पुराणों का ही जिक्र मिलता है हमें, जिनमें कि कालिका पुराण का कहीं कोई नाम नहीं है। कालिका पुराण नाम से कोई उनके भक्त होंगे जिन्होंने कालिका पुराण की रचना कर दी, या काली माता को उन्होंने प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से इसकी जो है रचना की है, परंतु कालिका पुराण जो है 18 पुराणों में सम्मिलित नहीं है कहीं पर भी। 18 जो पुराण है, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर उनकी लिस्ट बताता हूँ कौन कौन से हैं। 18 पुराणों में आते हैं ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण। ये 18 पुराण हैं जो पेज नंबर 664 पर शिव पुराण के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। इन 18 पुराणों में कहीं पर भी किसी भी पुराण में बलि का कोई विवरण आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बलि की बात आप लोग कर रहे हैं कि बलि देना, कोई भी देवी देवता बलि कब मांगते हैं, आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि कोई भी देवी देवता जो है वो बलि कब मांगते हैं। कोई भी देवी देवता, उदाहरण के रूप में यदि हम भैरव बाबा की बात करें कि अगर भैरव बाबा बलि मांगते हैं तो वो क्यों मांग रहे हैं। देखिए भैरव बाबा का जो प्राकट्य हुआ था वो भगवान शिव की और माता पार्वती की सेवा के लिए हुआ था, वो शक्तिपीठों के रक्षक बनने के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। उनका प्राकट्य इसलिए नहीं हुआ था कि कलयुग के अंदर जो है टुच्चे तंत्र साधक जो है वो काल भैरव के मंत्रों का जाप करके उनको अपना गुलाम बना लेंगे और फिर उनसे अपना काम करवाएंगे। उनका जन्म इसलिए नहीं हुआ था, उनका जन्म भगवान शिव की सेवा के लिए हुआ था, आपकी सेवा के लिए नहीं हुआ था, ठीक है। जब आप भगवान काल भैरव के मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से कर्म के फल के विधान के स्वरूप बाबा काल भैरव प्रकट होंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको सिद्धियां प्रदान करेंगे, सब कुछ करेंगे। परंतु यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका एक दायित्व ये भी था कि वो भगवान शिव की सेवा करें। उनका आपके पास में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, वो आपकी परीक्षा लेते हैं, ठीक है। कोई भी देवी देवता आपको कब छोड़ करके जाते हैं, कोई भी देवी देवता आपको तब छोड़ करके जाते हैं जब आपके मन में उनके प्रति द्वेष की भावना हो, या फिर शत्रुता की भावना हो, या फिर आपके कर्मों का इतना भयंकर हिसाब किताब हो कि आपके कर्म इतने ज़्यादा खराब हो कि वो आपको छोड़ के चले जाएं। बलि जीव हत्या जो होती है, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और जब कोई व्यक्ति जीव हत्या करता है तो जीव हत्या के फलस्वरूप उसके कर्म दूषित होते हैं, वो उसके दूषित कर्मों के फलस्वरूप एक न एक समय ऐसा आता है कि वो देवता उसका त्याग करके चले जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी देवी देवता अगर बलि मांगते हैं आपसे तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए आपसे बलि नहीं मांग रहे, वो आपके कर्मों को खराब करने के लिए आपसे बलि मांग रहे, और आप उन्हें बलि देकर के अपना कर्म खराब करते हैं। और बहुत सारे लोग फिर हमें ये तर्क भी देते हैं कि नहीं, देवता खुद बलि मांगते हैं। उनसे मेरा एक ही सवाल है कि ऐसा अगर होता है, ठीक है, तो ये उन देवता से अवश्य पूछेगा कि वो देवता उस बलि का करते क्या है, वो देवता उस मांस का करते क्या होंगे, ठीक है। अभी के लिए इस तंत्र चर्चा के अंदर इतने सवाल बहुत हैं, और अगर आप लोगों के और भी कोई सवाल यदि हैं, मुझे जो लगता था जिन सवालों का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी था, मेरे को लगता था, तो मैंने उनके जवाब आप लोगों को दे दिए हैं।
इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और अगर आप लोगों के कल की तंत्र चर्चा के लिए कोई सवाल आपके मन में है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे। ठीक है, अभी के लिए इस तंत्र चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।